जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों में फेरबदल, अब 19 मार्च को होगा मतदान, 20 को मतगणना। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को अवकाश घोषित करने से जिला बार के चुनाव हुए स्थगित। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपने ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को अवकाश घोषित करने से जिला बार एसोसिएशन के होने वाले चुनाव स्थगित कर दिए गए। अब 19 मार्च को मतदान और 20 मार्च को मतगणना की तारीख तय कर दी गई। बाकी चुनाव की प्रक्रिया यथावत रहेगी। अपर लोक अभियोजक विवेक पारसर ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 मार्च को शिवरात्रि, 13 मार्च को दूसरा शनिवार और 14 मार्च को रविवार है। इस बीच 12 तारीख का भी अवकाश राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर घोषित कर दिया। इस तरह से अदालतों में लगातार 4 दिन अवकाश रहेगा। 19 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 20 मार्च को सुबह 10 बजे से मतगणना होकर उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव मैदान में अध्यक्ष व सचिव पद के लिए 4-4, संयुक्त सचिव व कोषाध्यक्ष के लिए 3-3, पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए 2, उपाध्यक्ष के लिए 2 पदों के लिए 7 और 10 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव होने वाले अजमेर जिला बार एसोसिएशन के जो वार्षिक चुनाव है वो दिनांक 12 मार्च 2021 को संपन्न होने वाले थे, परंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवकाश कर दिया गया, इस स्थिति को आगे बढ़ाना पड़ा। इसलिए अब चुनाव जो है 19 मार्च 2021 को होंगे और उसका परिणाम जो है 20 मार्च 2021 को मतगणना प्रातः 10 बजे से प्रारंभ करके फिर उसका परिणाम जारी किया जाएगा। कितने पद हैं जो बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने हैं? उनमें एक चुनाव तो अध्यक्ष पद के लिए है, जिसमें मोहन सिंह राठौड़, नरेंद्र सिंह राठौड़, राजेश टंडन और सत्यनारायण शर्मा मैदान के अंदर हैं। और उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए चुनाव होगा, जिनके लिए एडवोकेट आनंद सागर, अनिल कुमार शर्मा, दिनेश राठौड़, जितेंद्र कुमार शर्मा, महेंद्र कुमार भाटी, मुन्नालाल शर्मा और मनी वकील मोहम्मद मैदान में हैं। वहीं एक पद जो है वो सचिव का होगा और सचिव पद के लिए कपिल शर्मा, परमेश्वर चौधरी, पृथ्वीराज भाटी और संजय कुमार गुजर मैदान में हैं। और उसके साथ ही एक संयुक्त सचिव चुना जाना है, उसके लिए 3 व्यक्ति मैदान में, कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए 3 व्यक्ति मैदान में और एक पुस्तकालय अध्यक्ष चुना जाना है, उसके लिए 2 व्यक्ति मैदान में। वहीं दूसरी ओर कार्यकारिणी सदस्यों का भी चुनाव होगा, जिसमें 10 कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाएंगे, उनमें करीबन 16 लोग मैदान में और 10 का चुनाव होना है। क्या टाइम रहेगा चुनाव का? चुनाव का जो टाइमिंग रहेगा वो 19 मार्च को जो चुनाव जब होंगे तो 10 बजे प्रातः मतगणना प्रारंभ होगी और 10 बजे से लगातार 5 बजे तक मतगणना चलेगी और उसके पश्चात मतपेटियों को पैक किया जाएगा, उन्हें सेफ कस्टडी में रखा जाएगा और अगले दिन जो है 20 मार्च को जो है प्रातः 10 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आई कार्ड लाना जरूरी है? मतदाता के लिए जो पहचान पत्र लाना तो अनिवार्य है ही, क्योंकि यहाँ पर वीडियोग्राफी भी होगी और सब मतदाताओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी और करीबन 1500 मतदाता हैं जिनका मतदान होना है। कुछ चिरपरिचित लोग हैं जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं और यदि कोई संदेह हुआ तो निश्चित रूप से उन्हें उनके जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ सकता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।